हेलो गाइस, आज हम इस पाइथन के मॉड्यूल में देखेंगे कि MySQL क्या होता है। ठीक है, MySQL एक डेटाबेस का काम करता है। डेटाबेस का मतलब होता है जहां पे आप डेटा को स्टोर करके रख सकें। तो डेटा को स्टोर करने के लिए आप MySQL डेटाबेस यूज कर सकते हैं। MySQL जो होता है एक रिलेशनल डेटाबेस होता है। अभी मैं समझाऊंगा रिलेशनल डेटाबेस का मतलब क्या होता है। पहले डेटाबेस को समझिए। डेटाबेस जहां पे आप डेटा को स्टोर कर सकें, जिसके अंदर आप टेबल्स क्रिएट कर सकते हैं, जिसके अंदर आप कॉलम्स क्रिएट कर सकते हैं और डेटा को स्टोर करके रख सकते हैं। देखिए, डेटा को स्टोर करके रखने का मतलब है कि आपने मान लीजिए कोई फॉर्म बनाया या आपने कोई इनपुट्स लिया यूजर से और उस इनपुट्स के डेटा को सेव करके रखना चाहते हैं। तो अगर आपको सेव करके डेटा को रखना है तो आपको डेटाबेस का यूज करना पड़ेगा। डेटाबेस का यूज करके आप डेटा को क्या कर सकते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं। नहीं तो आपको फाइल हैंडलिंग का यूज करके क्या करना पड़ेगा, पिकल का यूज करना पड़ेगा, उस प्रोसेस से डेटा को रख पाएंगे। तो अभी के लिए हम MySQL डेटाबेस को क्या करेंगे, इंस्टॉल करेंगे, सेटअप करेंगे। अब देखिए, मैं आपको क्लियर कर देता हूं, इसको यूज करने के लिए आपको दो चीजें करनी पड़ेंगी। सबसे पहले आपको एक पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा जो पाइथन के अंदर है नहीं, मतलब पाइथन पहले से देता नहीं अपने को। वो पैकेज आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, जिस पैकेज का नाम है पीवाई MySQL। देखिए, पिप इंस्टॉल पीवाई MySQL आप क्या करेंगे, कमांड पे लिखेंगे। जैसे ही आप कमांड पे लिखेंगे, ये पैकेज आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा। ये मैं आपको क्लियर कर देता हूं। तो ये पैकेज बस ये काम करेगा कि अब आप MySQL को क्या कर पाएंगे, यूज कर पाएंगे, इसका मतलब ये है। तो आपको सबसे पहला काम यही करना है कि इस पैकेज को इंस्टॉल करना है। तो चलिए, मैं सबसे पहले इस पैकेज को इंस्टॉल करता हूं। जैसे ही ये पैकेज इंस्टॉल हो जाएगा, फिर आपको जैम का इंस्टॉलेशन करना है, जैम का इंस्टॉलेशन सेटअप करना है। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, MySQL को पाइथन के कोड के साथ में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये दोनों प्रोसेस मैं आपको क्या करता हूं, इंप्लीमेंट करके दिखाता हूं, इंस्टॉल करके दिखाता हूं, जिससे आप इसको इंस्टॉल करके यूज कर पाए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए मैंने कमांड ओपन कर रखा है, आपको लिखना है पीआईपी। अब देखिए पीआईपी क्या होता है, पीआईपी पाइथन का डिपेंडेंसी मैनेजर है। इसके थ्रू आप कोई भी पैकेज इंस्टॉल करते हैं, कोई भी आपको अगर आगे चल के आप नमपाई और पैंडास करते तो वहां पे आप पीआईपी का यूज कर सकते हैं। तो पीआईपी यहां पे लिखना है इंस्टॉल्ड, और पीवाई MySQL, पीवाई MySQL एक पैकेज है जो पहले से पाइथन के अंदर बना हुआ नहीं है, ये एक बिल्ट इन मॉड्यूल नहीं है। आपको इस मॉड्यूल को अलग से इंपोर्ट करना पड़ेगा और अलग से इंस्टॉल भी करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे पीवाई MySQL लिख देता हूं। देखिए, जैसे ही मैं लिखूंगा, यहां पे देखिए लिखा हुआ आ रहा है रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। देखिए, रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड का मतलब है कि मैंने इसको ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है। आप लोगों को ये पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख के दिखाया, जिससे आप समझ जाएं कि ये पैकेज अपने को इंस्टॉल करना ही करना है। तो अभी के पार्ट में पहले ये क्लियर है कि हमें अगर पाइथन को MySQL के साथ में कनेक्ट करना है, यूज करना है, तो आपको पिप इंस्टॉल MySQL यूज करना पड़ेगा, पीवाई MySQL यूज करना पड़ेगा। और वो इंस्टॉल करने के बाद अब आप क्या कर सकते हैं, MySQL को यूज कर सकते हैं। मगर एक लॉजिक और है कि MySQL को रन कैसे करेंगे, ये तो आपको यूज करने का ऑप्शन देता है। अगर आपको रन करना है तो आपको अपने सिस्टम में Xampp इंस्टॉल करना पड़ेगा। Xampp एक थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर है जो आपके डेटाबेस को दिखा सकेगा, जो आपके टेबल्स को दिखा सकता है, जो आपके पूरी वैल्यू को दिखा सकता है कि क्या क्या वैल्यू आपने इंसर्ट की है। वो सारे ऑप्शंस आप Xampp के अंदर देख पाएंगे। तो Xampp एक थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है जो आपको अपाचे और MySQL रन करने का ऑप्शन देगा, जिसके थ्रू आप MySQL को रन कर पाएंगे। जब MySQL रन होगा तभी तो ये कनेक्ट होगा, तो आपको वो एप्लीकेशन भी इंस्टॉल करनी पड़ेगी आपको अपने सिस्टम में। तो वो भी मैं अभी इंस्टॉल करके दिखा देता हूं कि आप उसको इंस्टॉल कैसे करेंगे, इंस्टॉल करने के बाद क्या काम करेंगे, ये भी मैं आपको क्लियर कर देता हूं। फिर आगे के पार्ट्स में हम डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं, हम टेबल्स कैसे बनाते हैं, ये सारे पार्ट्स को हम आगे की साइड क्लियर कर लेंगे। तो चलिए हम क्या करते हैं, Xampp को इंस्टॉल करते हैं और डाउनलोड करके देखते हैं। देखिए मैं आपको क्लियर कर देता हूं, आपको जाना है गूगल पे और जाके यहां पे सर्च करना है। मैं देखिए बता देता हूं, आप यहां पे सर्च करेंगे Xampp डाउनलोड। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो डाउनलोड Xampp का ऑप्शन आ जाएगा। यहां से आपको क्या करना है, क्लिक करना है। क्लिक करते ही यहां पे बहुत सारे Xampp के वर्जन दिख जाएंगे, आप कोई सा भी वर्जन कर सकते हैं। तो मैं अभी 7.3 को क्या करूंगा, डाउनलोड करूंगा। देखिए एक चीज क्लियर कर देता हूं, मैं अगर यहां पे डाउनलोड पे क्लिक करूंगा तो ये डाउनलोड हो जाएगा, डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। मैंने ऑलरेडी इसको डाउनलोड करके रख रखा है, आपको क्या करना है, क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके ये डाउनलोड हिस्ट्री में चला जाएगा। तो मैं यहाँ पे डाउनलोड्स में जाता हूँ और देखिए यहाँ पे शो इन फोल्डर कर देता हूँ। तो ये मैंने डाउनलोड्स करके रख रखा था, आपको क्या करना है, क्लिक करना है, वो डाउनलोड्स हो जाएगा। अब आपको इसको इंस्टॉल कैसे करना है, क्योंकि डाउनलोड तो हमने कर दिया, इंस्टॉल्ड आप कौन सी ड्राइव में करेंगे, क्या प्रोसेस होगा, वो सारी चीजें मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। आप इसको किसी भी ड्राइव में इंस्टॉल कर सकते हैं, पहली चीज तो मैं ये क्लियर करता हूँ। तो मेरे जो सिस्टम है वो अभी एक ही ड्राइव है, देखिए
मैं आपको क्लियर करता हूं, अभी जो मैं सिस्टम चला रहा हूं उसके अंदर मेरे पास एक ही ड्राइव दिख रही है। मैं आगे का जब प्रोजेक्ट बनाऊंगा तो मैं आगे के किसी लैपटॉप या किसी और लैपटॉप में बनाऊंगा तो वहां पे अलग अलग ड्राइव हो सकती है, पर अभी मेरे सिस्टम में एक ही ड्राइव है तो मैं इसी ड्राइव में जैम को क्या करूंगा, इंस्टॉल करूंगा। अब देखिए जैम को इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले अगर आपके कोई भी ड्राइव में इंस्टॉल कर सकते हैं आप, सी डी ई जिसमें भी इंस्टॉल करना चाहते हैं उसमें इंस्टॉल कर सकते हैं, तो आपको क्या करना है अपनी ड्राइव में जाना है और यहाँ पे एक फोल्डर बनाना है। जैसे मैंने यहाँ पे पाइथन जैम्प नाम का फोल्डर बना रखा है, देखिए क्लियर देखिएगा, तो मैं पाइथन जैम्प नाम के फोल्डर में इंस्टॉल करूंगा। अगर आप ये फोल्डर नहीं बनाते और आप इसको फर्स्ट टाइम इंस्टॉल करते हैं तो जैम्प नाम का फोल्डर बन जाएगा डिफॉल्ट में। तो मैं इसके इंस्टॉलेशन प्रोसेस को क्या करता हूँ, स्टार्ट करता हूँ। देखिए मैं इस पर डबल क्लिक करूंगा और डबल क्लिक करने पे एक इंटरफेस खुलेगा। देखिए यहाँ पे एक इंटरफेस खुला, ये सिस्टम का इंटरफेस है, ये मेरे से पूछ रहा है कि आपको इंस्टॉल करना है, मैंने कहा हाँ इंस्टॉल एनीवे पे क्लिक किया। अब देखिए ये एक पॉपअप ओपन करेगा, पॉपअप आपके पास नहीं भी दिख सकता है मगर एक पॉपअप आया है, उसको आपको यस करना है। ये मैं आपको क्लियर करता हूँ, यस करते ही जैम्प का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। देखिए मैं आपको क्लियर करता हूँ, जैसे ही जैम्प का इंटरफेस आएगा तो हम इंस्टॉलेशन प्रोसेस क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे देखिए कंपनी का नाम भी लिखा हुआ जाता है। अब देखिए एक वार्निंग आई है, वार्निंग पे आपको ओके करना है, ओके करते ही जैम्प सेटअप का इंटरफेस स्टार्ट हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ से नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट करते ही फिर से यहाँ पे नेक्स्ट करना है और नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आपको ड्राइव चेंज करनी है क्योंकि अपने को सी डी किसी में भी कर सकते हैं। तो मैं चलो अपने सिस्टम में जाता हूँ, यहाँ पे सी ड्राइव ही है मेरे पास और मैंने जो फोल्डर बनाया था उसके अंदर मैं इंस्टॉल करता हूँ। देखिए पाइथन जैम्प के अंदर आप कोई भी फोल्डर बना सकते हैं, उसके अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं और जिस फोल्डर में आप इसको इंस्टॉल करेंगे उसमें थोड़ा सा आपको स्टार्टिंग प्रोसेस करना पड़ेगा, वो मैं आपको बताऊंगा। बस मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, जो भी आप फोल्डर बनाए, जैसे मैंने जैम्प नाम का फोल्डर बनाया, मैंने जैम्प 530 बनाया, मैंने जैम्प 1 बनाया, कोई भी आप फोल्डर का नाम बना सकते हैं, पर मैंने अभी जो फोल्डर बनाया वो क्या है, पाइथन जैम्प नाम का, इसको क्लिक किया और सेलेक्ट फोल्डर कर दिया। तो यहाँ पे देखिए जो मेरा जैम्प इंस्टॉल हो रहा है वो सी ड्राइव में पाइथन जैम्प फोल्डर के अंदर इंस्टॉल हो रहा है और मैं यहाँ से नेक्स्ट कर देता हूँ और फिर से आप यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे और यहाँ से नेक्स्ट करेंगे और देखिए ये आपको एक क्या करेगा, ब्राउजर पे एक वेबसाइट को ओपन कर देगा। तो आपको इस वेबसाइट को बंद कर देना है, फिर से वहीं पे जाना है आपको और यहाँ से आप नेक्स्ट करके इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे। देखिए इंस्टॉलेशन में थोड़ा टाइम लग सकता है तो आप लोगों को वेट करना है, जब तक ये पूरा इंस्टॉलेशन की बार कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक आपको इसको क्रॉस नहीं करना। देखिए यहाँ पे इंस्टॉलेशन करते समय मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे एक सिक्योरिटी का पॉपअप आपके सामने ओपन होगा तो इसको आपको हमेशा अलाउ करना है, ये ध्यान रखिएगा। तो आप इसको अलाउ एक्सेस पे क्लिक करेंगे और इसको अलाउ कर देंगे, जिससे ये क्या कर सकता है, जो भी MySQL या PHP, देखिए PHP को भी वैसे ये चला देता है जैम, तो PHP की बात नहीं करते अपन, MySQL का जो भी पोर्ट होता है उसको वो परमिशन देता है कि आप उसको रन कर सकते हैं। तो जो भी सिक्योरिटी का अलर्ट आएगा विंडो से रिलेटेड आप उसको अलाउ करेंगे और यहां से आप इसको फिनिश कर देंगे। तो अभी के प्रोसेस में हमारा जैम्प क्या हो चुका है, इंस्टॉल हो चुका है। और जैम्प इंस्टॉल होने के बाद आपके सामने एक इंटरफेस खुलता है, देखिए यहाँ पे खुल भी गया है। और जब भी आप पाइथन के अंदर काम करेंगे आगे चल के हम क्या करेंगे, सारी क्वेरीज को समझेंगे। सारी क्वेरीज का मतलब क्या है मैं आपको बताता हूँ, जैसे आपने डेटाबेस क्रिएट किया, टेबल क्रिएट की, आपने सेलेक्ट क्वेरी चलाई, अपडेट क्वेरी चलाई, तो उनको देखने के लिए आप इस इंटरफेस का यूज कर सकते हैं। तो इसके अंदर से दो चीज हमेशा स्टार्ट करनी है और जब भी आपको काम करना है, बस ये दो चीज क्या होती है मैं आपको बता देता हूँ, एक तो आपको करना है अपाचे स्टार्ट यहाँ से और एक करना है आपको यहाँ से MySQL स्टार्ट, ये दोनों चीज स्टार्ट होनी चाहिए। और उस समय भी पॉपअप आ सकता है, देखिए आ गया पॉपअप यहाँ पे, तो आपको इसको भी अलाउ एक्सेस पे क्या करना है, क्लिक करना है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये दो चीजें आपकी स्टार्ट होनी चाहिए। इसको स्टार्ट करने का रीजन क्या है मैं बता देता हूँ, क्योंकि जो हम डेटाबेस बनाएंगे और जो भी हम टेबल क्रिएट करेंगे वो हम देख सकते हैं, अब वो कहाँ से देखेंगे, मैं आपको क्लियर करता हूँ। ये जो इंटरफेस ओपन होगा ये होगा ब्राउजर पे ओपन, आप यहाँ पे जाके लिखेंगे लोकल होस्ट और यहाँ पे PHP माय एडमिन। जैसे ही आप लोकल होस्ट PHP माय एडमिन लिखेंगे तो आपके सामने एक इंटरफेस खुल जाएगा। अभी इसके इसमें कुछ डेटाबेस बने हुए, देखिए लेफ्ट साइड में बने हुए दिख रहे होंगे आपको। जब आप कुछ डेटाबेस बनाएंगे अपने प्रोजेक्ट के लिए तो वो भी डेटाबेस लेफ्ट साइड में क्या होगा, आएगा। तो आप अपने डेटाबेस की टेबल्स, डेटाबेस वैल्यू सब यहां से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो लोकल होस्ट PHP माय एडमिन क्या है, URL है जो आपको ब्राउजर पे जाके क्या करना है, लिखना है। जो भी आप टेबल क्रिएट करेंगे, आप डेटाबेस क्रिएट करेंगे, आप वैल्यूज इंसर्ट करेंगे और सारा इधर की साइड क्या होगा, दिखेगा। तो आपको क्या करना है, दो चीज स्टार्ट करनी है, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। आपको करना है अपाचे और एक MySQL। अब देखिए मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ एक बार के लिए और इसको मैं यहां से बंद कर देता हूँ। मान लीजिए इन द केस ये पॉपअप आपके पास नहीं आया तो इसको कहां से ओपन करें, अगर ये स्टार्ट नहीं होगा ना तो देखिए यहां पे मैं बता देता हूं कि आपके सामने ये खुलेगा नहीं। फिर देखिए ये इस टाइप का मैसेज लिखा हुआ आएगा, द साइट कांट बी रीज,
क्योंकि आपने सर्वर को ऑन नहीं किया है, सर्वर को ऑन करना मैंडेटरी है क्योंकि आप MySQL को क्या करना चाहते हैं, पाइथन में यूज करना चाहते हैं, तो pip install py MySQL को इंस्टॉल करना है, वो तो क्या है पैकेज ही है पाइथन का। अब पैकेज तो क्या होगा, पाइथन के साथ में कनेक्ट होकर चलेगा, मगर जो MySQL को चलाएगा उसके लिए भी तो आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा ना। उसके लिए मैंने Xampp इंस्टॉल किया और Xampp इंस्टॉल करने में दो चीज स्टार्ट करनी है। अब चलिए वो इंटरफेस नहीं आया तो कहां पे आएगा मैं आपको बता देता हूं। अगर वो इंटरफेस आपके पास नहीं दिखा तो आपको जाना है फोल्डर के अंदर जहां पे आपने इंस्टॉल किया था। देखिए मैंने इस ड्राइव के अंदर, जो मेरी ड्राइव है सी ड्राइव, उसके अंदर देखिए पाइथन Xampp नाम से फोल्डर बना के इंस्टॉल किया था। उसके अंदर आप जाएंगे, उसके अंदर आपको Xampp control.exe दिखता है, देखिए इस पे आप क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही एक इंटरफेस खुलेगा आपके सामने। उस इंटरफेस में सेम लुक ही है जो पहले खुल रहा था, बस वो क्या होगा बंद हो गया तो कहां से खोलेंगे वो भी तो क्लियर होना चाहिए। तो ये इंटरफेस इस फोल्डर के अंदर मिल जाता है और आप Xampp control.exe पे क्लिक करेंगे तो दो चीजों का आपको हमेशा स्टार्ट करके काम करना है, एक अपाचे और एक MySQL। MySQL मतलब हमारा डेटाबेस क्या हो चुका है, अब रन हो चुका है, मैं उस डेटाबेस को पाइथन के अंदर यूज कर सकता हूं। और जो हमने पैकेज इंस्टॉल किया था वो कहां से किया था, देखिए मैं आपको बता देता हूं, कमांड पे pip install, यहां पे क्या लिखेंगे pip install py MySQL, वैसे ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है मगर मैं आपको बता रहा हूं कि ये भी आपको करना है क्योंकि आगे चल के तो मैं डायरेक्ट क्या करूंगा कनेक्शन बनाऊंगा, डेटाबेस को क्रिएट करूंगा, तो ये चीजें आप पहले से इंस्टॉल्ड करके रखेंगे, मैं आपको क्लियर करता हूं। तो अभी मैंने दो चीज इंस्टॉल करके दिखाई है, एक चीज मैंने बताया कि आप Xampp कैसे इंस्टॉल करते हैं, दूसरा मैंने बताया pip install py MySQL को इंस्टॉल कैसे करेंगे, पैकेज को इंस्टॉल कैसे करेंगे। और आपका MySQL होता क्या, एक डेटाबेस है जहां पे हम डेटा को स्टोर करेंगे। अब देखिए MySQL को हम पाइथन के साथ में कनेक्ट कैसे करते हैं, क्या कोड होगा, वो पूरा प्रोसेस आपके सामने आगे के पार्ट में क्लियर कराया जाएगा। तो अभी के पार्ट में आपको क्लियर हो गया होगा कि मैं Xampp कैसे इंस्टॉल करूंगा, py MySQL को कैसे इंस्टॉल करूंगा, पैकेज को कैसे इंस्टॉल करूंगा और कनेक्ट कैसे होगा, ये सारा प्रोसेस आगे की साइड क्लियर कराया जाएगा। थैंक यू सो मच गाइस।